अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे है? उम्मीद से खैरियत से हो गए नाजरीन। इस वक्त मैं स्पेन के सबसे टूरिस्ट सिटी बार्सिलोना में मौजूद हूँ, जो कि यूरोप का मोस्ट एनर्जेटिक और वाइब्रेंट सिटी माना जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस बार्सिलोना का जो मेन लैंडमार्क है उसका विज़िट कराऊंगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो नाज़रीन, ये जो आप मेरे सामने ये जो ह्यूज बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है सग्रादा फैमिलिया। ये बार्सिलोना का मेन लैंडमार्क है और सबसे ज़्यादा विज़िट करने की जाने वाली प्लेस है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी बिल्डिंग के मुतालिक बताऊँगा। तो नाज़रीन, सग्रादा फैमिलिया ये स्पेनिश का वर्ड है, बार्सिलोना स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। सग्रादा जो है वो कहते हैं सैग्रेड, मुकद्दस, और फैमिलिया फैमिली यानी मुकद्दस फैमिली। बेसिकली ये मुकद्दस फैमिली से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी वालदा है, जिनको ये यहाँ पे जो है वो जीसस और मैरी के नाम से जाना जाता है, तो उनके नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। तो इस जो है ये चर्च है, तो ये दुनिया का सबसे यूनिक चर्च है और दुनिया का जो है वो सबसे पुराना अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। यानी ये जो बिल्डिंग है इसकी कंस्ट्रक्शन 1880 से स्टार्ट है और ये अभी तक जो है ये जो है वो ज़ेर तमीर है। आप ये देख भी सकते हैं, ये क्रेन्स वगैरह जो है ये अभी भी जो है वो ये ज़ेर तमीर है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 2026 तक जो है ये फुली कंप्लीट हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये बार्सिलोना स्पेन में जो है एक फेमस आर्किटेक्चर गुजरा है जिसका नाम था अंटोनी गाउडी। अंटोनी गाउडी के जो है वो काफ़ी उसने वो जो एक्सीलेंट जो है वो आर्किटेक्चर्स बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो तमीर कराई है, जिनमें सबसे फेमस वन जो है ये सग्रादा फैमिली है। जो अंटोनी गाउडी है उसने जो है इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जो है वो 40 साल से ज़्यादा काम किया और उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी ज़िंदगी में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, लेकिन 1926 में उसकी डेथ हो गई थी और उसकी जो है कब्र जो है वो इसी बिल्डिंग के अंदर है। और ये 2026 यानी उसकी वफात के 100 साल बाद जो है ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये कंप्लीट होना मुतवक्के है। तो जो गाउडी है उसके जो डिज़ाइन है, बिल्डिंग डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, उसका ये बेसिक एलिमेंट्स ये है कि गाउडी ने जो है वो ऑर्गेनिक शेप यानी नेचुरल शेप रखी है। यानी उसके डिज़ाइन में शार्प कॉर्नर्स, फ्लैट लाइंस और स्पेसिफिक एंगल जो है वो शामिल नहीं है। यानी वो जैसे आप अगर फलों और सब्जियों की शेप देखें तो वो ऑर्गेनिक शेप होती है, यानी उनमें कोई भी जो है जो वो शार्प कॉर्नर्स और एजेस नहीं होते। तो गाउडी का जो डिज़ाइन था वो भी इसी किस्म का जो है वो था। तो इसके डिज़ाइन के मुतालिक बात करते हैं, तो बेसिकली ये जो आप टावर देख रहे हैं ये जो इस तरह के जो है ये 18 टावर्स है, ये सब तो आपको नज़र नहीं आएंगे, तो इनमें से जो 12 टावर है, 12 टावर ये जो अपोस्टल्स ये जो है वो जीसस के जो अपोस्टल्स थे या उनके वो साथी कह ले, ये उनको शो करते हैं, जिनमें एक वो पीटर भी थे जिनसे आगे वो पोप का सिलसिला शुरू हुआ। और इसके अलावा जो इसमें जो टालेस्ट और जो सेकंड टालेस्ट जो टावर है वो जो टालेस्ट है वो जीसस टावर को शो करता है और जो सेकंड टालेस्ट टावर है वो मैरी टावर यानी उनकी वालदा हज़रत मरियम को शो करता है। तो ये जो आप इसमें होल्स वगैरह देख रहे हैं इस जो है वो, तो ये इस किस्म के जो बेल्स जो चर्च में बजती है उनकी साउंड के लिए है। तो ये अंदर भी जो है ये लोग जाते हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा टिकट है, जैसे आप देख सकते हैं यानी इसकी 30 यूरो प्लस टिकट है।
तो मेरा अंदर जाने का भी आज इरादा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये सारी बिल्डिंग जो है ये सोल्ड आउट हो चुकी है, और इस वजह से आज मैं आपको सिर्फ जो है वो बाइट से ही विज़िट करा देता हूँ और इसका इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत की गई है और काफ़ी ख़र्चा वगैरह है। ये आपको शायद ये इससे भी अंदाज़ा होगा कि किस कदर ये कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है। तो नाज़रीन आज की जो वीडियो इतनी थी, तो मैंने कोशिश किया आपको जितना जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन और इसकी जो झलक जो है वो आपको नज़र आ जाए। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।